Hey guys, welcome back. This is Rahul Sharma and you're watching Gaming the Osmium YouTube channel. Guys, ये मैच PL Season 2 Week 3 Finals का लास्ट मैच होने वाला है जहाँ पे XQF को अपना फर्स्ट विक्ट्री मिलता है PL Season 2 में. पूरे PL Season 2 में XQF ने कोई भी चिकन डिनर नहीं लिया था, बट इस मैच में वो चिकन डिनर लेते हैं. यहाँ पे ड्रॉप लोकेशन में इनका थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे रॉन्ग सा रहेगा, मतलब ऑड सा रहेगा. जहाँ पे वो उतरते हैं वहाँ पे नहीं उतरते हैं, बट 4M को अगर देखोगे सो 4M यहाँ पे जॉर्जियाविल सिटी में ही जा रहा है एंड बाकी स्क्वाड भी अपने नॉर्मल जो ड्रॉप लोकेशन रहती है उन पे वहां पे उतरते हैं. सो गाइज ये मैच काफी अच्छा होने वाला है यहाँ पे. बट एक और चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया है पबजी मोबाइल चाइनीज प्रो नाम करके, मतलब नाम तो आपके साथ डिस्कस करके मैं चेंज कर लूंगा उसका, बट वहां पे मैं मोंटाजेस वगैरह पोस्ट करने वाला हूँ. सो फटाफट से यार पिन कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, फटाफट से सब्सक्राइब कर दे, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे. सो कंटिन्यूअसली मोंटाजेस पोस्ट करता रहूंगा, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा गाइज मेरा, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियली भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा एंड ऐसे भी मतलब थोड़ा अच्छा लगता है यार. सो अभी स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे गाइस अगर देखोगे सो जोन कहाँ बना है, जोन बिल्कुल राइट हैंड साइड बना है. सो यहाँ पे अभी ये वाला पार्ट पूरा खाली है यहाँ पे, बट अगर आप देखोगे सो एक स्क्वाड गई है एलके स्क्वाड यहाँ पे ओनली नोवा पिनोय में, पूरा मिलिट्री बेस खाली है यहाँ पे. सो यहाँ पे अभी स्क्वाड जैसे 4M है, STEA, LGD ये रोटेट कैसे करती है? अभी एलके के लिए थोड़ा ईजी रहेगा, बट 4M को मतलब कैसे रोटेशन डालना है, LGD को कैसे रोटेशन डालना है, क्योंकि उनके आगे स्क्वाड्स है वो यहाँ पे दिखने वाली बात होती है. बट वहीं पे YQL का एक प्लेयर TJB को एक प्लेयर को डाउन करता है, डाउन कैसे करता है वो मैं आपको दिखाता हूं. सो ये यहां पे रहता क्या है, ये प्लेयर अपनी गाड़ी से मूविंग कर रहा होता है यहां पे बाइक से, बट जैसे ही स्पॉट करता है वैसे हेडशॉट से स्टार्ट करता है, हेडशॉट से ही खत्म करता है एंड उस प्लेयर को डाउन करेगा एंड उसके बाद उसको फिनिश करेगा. सो ये काफी अच्छा लगा एंड उसके बाद कि जैसे बंदे ने बेट किया पहले हेडशॉट पे क्रॉस ईयर लेके गया उस टाइम डाउन किया. अभी अगर देखोगे गाइस यहां पे 4M कहां से मूविंग करी, ब्रिज की साइड से और यसनाया की ऊपर की साइड से मूविंग करी. अगर ये डायरेक्ट जाते यहां पे तो यसनाया में या फिर यहां पे जो कंपाउंड रहता है वहां पे कोई उनको स्पॉट करके मार सकता था, बट अभी देखने वाला रहेगा STEA का लोकेशन, मतलब STEA कैसे मूविंग करती है. बट यहां पे गाइस एक फाइट हो जाती है टॉपी स्पोर्ट्स जो द चोजन है आजकल एंड RSG के बीच में. सो यहां पे काफी इंटरेस्टिंग फाइट होती है क्योंकि RSG के एक प्लेयर तो बहुत दूर है, डाउन कर दिया गया, द चोजन के भी एक प्लेयर को डाउन करके खत्म कर दिया है एंड हिप फायर चलते हैं दोनों प्लेयर्स में. ये मुझे अच्छा लगा गाइस कि इस बंदे ने थोड़ा सा मतलब ये नॉलेज होना चाहिए आपको कहाँ से आप प्लेयर को टेकडाउन कर सकते हो, पहले हिफ्फा दिया और छोटी से मतलब वहाँ से खिड़की से उसको मारने की यहाँ पे कोशिश करी. सो ये काफ़ी सही था, बट यहाँ पे क्या रहता है अभी एक प्लेयर को डाउन करा जाएगा, उसको फिनिश करा जाएगा, दो प्लेयर बचते हैं यहाँ पे RSG के, एक प्लेयर बचता है अभी एंड लास्ट प्लेयर है उसको मतलब डाउन करा जाएगा अभी. एंड गाइस ये देखो सामने से उस प्लेयर ने सामने वाले कंपाउंड से यहाँ पे इसको ईजिली डाउन कर दिया. सो इनको यहाँ पे कोई और कैजुअलिटी नहीं आती है, बट सुख को देखो सुख यहाँ पे रहते एंड स्वान यहां पे क्या करते हैं, एक प्लेयर को तीन मार के प्लेयर को डाउन करते हैं, एक और प्लेयर ऑलरेडी डाउन होता है उसको फिनिश करेंगे एक प्लेयर को एंड जहां पे मतलब ये जिनका थर्ड मेंबर होता है उस पे अभी पुश करने की ट्राई करेंगे. बट इनको यहां पे अभी कोई कवर फाइव प्रोवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि उसके सामने यहां पे गाड़ी है. ये जाते आगे स्मोक में से अभी स्पॉट करने की ट्राई करेंगे कि कहां जैसे प्लेयर है, मतलब एक पोजीशन मतलब फाइंड आउट करना पहले सही रहता है पुश से पहले. सो उनको पता है कि यहाँ जैसे प्लेयर है, बट ये मतलब बिल्कुल श्योर नहीं है कहाँ जैसे है, बगी के पीछे प्लेयर होता है. यहाँ पे आगे जाते हैं जंप करने की ट्राई करते हैं, बट उनको नॉक कर जाएगा, नॉक के साथ साथ इनको फिनिश कर जाएगा. 4M के हसाकी कवर देते हैं, उनको भी नॉक कर जाएगा, बट अभी यहाँ पे जिन्हें इनको डाउन करते हैं, बट स्टिल वो स्वान को यहाँ पे फिनिश कर चुके हैं, अपना काम कर चुके हैं, हसाकी को वहाँ पे नॉक कर चुके हैं. सो गाइज ये मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा यार कि ऐसे ही चले गए विदाउट कवर फायर. इवन यहां पे हसाकी उनको कवर फायर दे रहे थे, बट ऑन द अदर हैंड क्या होता है यहां पे ईगल यहां पे नेड करते हैं हसाकी और जिन्हे दोनों को मतलब डाउन कर रहे थे. यहां पे सुख के पास कोई ऑप्शन नहीं है, सुख ने द चोजन का प्लेयर डाउन करा एंड उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको पुश करना पड़ेगा, उनको पता है लास्ट मैच है एंड खेल के भी क्या फायदा है. बट अगर नेड से ही जाता ये सो ये पौड़ियों पे यहां पे जाके फटता एंड उनका प्लेयर को दोनों को नॉक मिलता, बट स्टिल यहां पे ये मतलब थोड़ा सा मिसप्लेस हो जाता है, अपनी जगह पे नहीं पाता है, दीवार पे लगता है, बट इनको यहां पर डाउन कर जाएगा जैसे अपनी SKS पे स्विच करते हैं. अभी देखो STEA का पोजीशन देखो, जहां पे LGD थी वहां पे थी, घूम के यहां पे AG Fox के पास जा चुके हैं प्लेयर. बट गाइस अभी क्या रहता है, तिनमा का लास्ट मेंबर जो है वो गुजुजू वो अभी आगे जाने की ट्राई करेगा क्योंकि ये प्लेयर यहाँ पे भागने की ट्राई नहीं करेगा, इनको पता है कि भाई लास्ट मैन स्टैंडिंग में भाग के भी क्या करना है, इनको टेक डाउन करने की ट्राई करते हैं ये. इन प्लेयर्स के मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. सो इसने एक नेट डाला, ईगल नॉक हुए चोजन के, द चोजन का एक और प्लेयर है गुजुजू आगे जा रहा है, अपने लिए स्मोक वगैरह कर रहा है एंड इनको मारने की अभी कोशिश करेगा.
अपने लिए सॉफ्ट बॉल बनाए, स्मोक्स कर लिए कि सामने कोई प्लेयर स्पॉट ना कर ले, जैसे ब्लूम होते हैं वैसे आगे चले जाते हैं एंड यहाँ पे एक नेड आता है उसको भी खत्म करा जाएगा। द चोजन यहाँ पे काफी अच्छे खेल रहे, इस प्लेयर के पास यहाँ पे 5 किलो हो चुके हैं। बट गाइस ये वाली फाइट काफी अच्छी होने वाली है क्योंकि पैराबॉय ने एक नॉक दिया एलजीडी के प्लेयर को। अभी क्या रहता है, पैराबॉय एंड कूल बॉय एंड ऑर्डर यहाँ पे एक साइड होते हैं, जिमी दूसरी साइड होते हैं। एलजीडी के स्क्वाड को आप जानते हो बहुत अच्छा खेलते हैं ये स्क्वाड, सो यहाँ पे ये इनको टेकडाउन करने की ट्राई करते हैं नोवा वाले। सो नोवा वाले अभी क्या करेंगे, यहाँ पे सामने जाके पुश करने की ट्राई करेंगे, यहाँ से पहले अपने जितने भी थ्रोवेल्स होंगे वो मारने की ट्राई करेंगे। सो सामने से भी एलजीडी सुकी को अगर देखो तो सुकी बिल्कुल राइट हैंड साइड में अपनी और वहां से स्पॉट करने की ट्राई कर रहे हैं, बट पैराबॉय यहाँ पे पुश कर देते हैं। जैसे पैराबॉय ने पुश करा सुकी होते हैं आगे एंड इनका मतलब एम इतना अच्छा रहता है ना कि गाइस कोई भी प्लेयर आगे हो टेकडाउन ये कर ही लेते हैं। सो दो प्लेयर यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। अभी जिमी का एक और चीज दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे उन्होंने स्पॉट करा कि मतलब यहाँ से पीछे से बाउंड्री वॉल के पीछे से यहाँ पे घर के पीछे से एक प्लेयर आ रहा है। सो प्लेयर बाहर बॉल्ट करा है यहाँ पे, इनको पता है सामने प्लेयर आ रहा है, उछल के यहाँ पे मतलब जंप करके यहाँ पे एक नॉक दिया, काफी अच्छा नॉक था। एंड उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे पैराबॉय लास्ट मैन जो होता है उनका स्मोक पे स्पॉट कर लेते हैं एंड उसको भी अपनी हिप फायर मार के हेडशॉट देके खत्म करेंगे। एंड ये फाइट फनी सी है क्योंकि यहाँ पे एजी फॉक्स का स्क्वाड एक नॉक मिलता है एजी फॉक्स को, बट ऑन द अदर हैंड यहाँ पे एक पेयर यहाँ पे नेड कुक कर रहे होते हैं और नेड को अपने प्लेयर्स पे एंड खुद पे फोड़ लेते हैं। एक पेयर नॉक होता है, दूसरा प्लेयर कन्फर्म हो जाता है एंड ये मतलब अच्छा नहीं रहता है गाइस, थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो जाती है एजी फॉक्स को यहाँ पे एंड एजी फॉक्स के स्क्वाड को यहाँ पे एलिमिनेट करा जाएगा। बट अभी ईएलजी की पोजीशन देखो, एसटीई की पोजीशन देखो एंड नोवा की पोजीशन देखो, नोवा कहाँ से कहाँ जाने वाली है वो अभी इंटरेस्टिंग रहता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। सो सर्कल देख सकते हो, सर्कल कहां बना है, सर्कल मतलब बिल्कुल 70% 60% ऑफ सर्कल वाटर में बना है। सो यहां पे बहुत मतलब स्क्वाड एक साथ होने वाले हैं, अभी क्लस्टर बनने वाला है एंड ये वाली फाइट देखने में काफी मजा आता है। सो यहां पे भी गाइस देखो एसटीई का स्क्वाड द चोजन पे यहां पुश करने वाला है, ईएलजी उन पे जा रही है। सो ईएलजी भी यहां पे ईएलजी के दो मेंबर होते हैं, ईएलजी उनको मारने की ट्राई करेगी बट एसटीई द चोजन पे अभी जा चुकी है। सो यहां पे नेड्स करने की ट्राई करते हैं प्लेयर की, नेड से कैजुअलिटी ले क्योंकि एसटी का स्क्वाड इस पूरे बिग थ्री के फाइनल्स में काफी बढ़िया खेला था। सो अभी देखता हूं कैसे पुश करते हैं ये, क्योंकि टॉप ऑफ द हिल होते हैं, एक प्लेयर यहां पे फ्लैंक कर लेता नीचे आता है। अभी द चोजन पे यहां पे फुल प्रेशर बन चुका, वो सारा ध्यान वो प्लेयर पे जाता है एंड ऊपर से यहां पे ये इनको टेकडाउन करने की ट्राई करेंगे। सो नॉक मिलते हैं इनको, एसटी के एक प्लेयर को यहाँ पे डाउन करा जाता है, बट गाइज टॉप ई स्पोर्ट्स का प्लेयर को भी डाउन करा जाएगा, फ्रूट ने उनको डाउन करा। अभी ये इट्स टाइम टू पुश क्योंकि लास्ट मेंबर बचा है एंड यहाँ पे ईगल को भी यहाँ पे खत्म करा जाएगा। ईगल ने भी नॉक दिया और वाइप पीछे से आते हैं, उनको डाउन करते हैं, अपने प्लेयर्स को यहाँ पे उठाने की ट्राई होगी। सो ईएलजी वालों को पता है यहाँ पे फाइट हुई है, ईएलजी वाले इन पे आगे आने की ट्राई करेंगे बट दूसरा मेंबर जा चुका है सामने उस प्लेयर को उठाने के लिए। सो सभी के सभी प्लेयर्स यहाँ पे रिवाइव हो जाएंगे। बट गाइज ईएलजी को देखो एंड फ्रूट को देखो, फ्रूट बिल्कुल ऊपर जा रहे हैं, इनको नहीं पता कि स्क्वाड आ चुके हैं सामने, बट जैसे इनको लगता है कि स्क्वाड आ चुके हैं वो पीछे आ जाते हैं। बट गाइस जेसीआर वाई का परफॉर्मेंस काफी अच्छा, इस बंदे ने गाइस बहुत सारे क्लचेस निकाले हैं कुछ पास्ट मैचेस में। सो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसके लिए एक वीडियो बनाता हूँ। सो एसटी के वाई यहाँ पे गाड़ी में बैठते हैं, अपनी वगी में बैठते हैं, आगे चले जाते हैं, बट जैसे ही मतलब दूसरा प्लेयर ईएलजी का प्लेयर इनको मारने की ट्राई करता है यहाँ से नॉक मिलता है। अभी मिंग एसकेआर को देखो, सो मिंग आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक प्लेयर यहाँ पे इन पे शॉट लेने की ट्राई कर रहा है। सो काफी वाइड फ्लैंक डालते हैं ये एंड दूसरा प्लेयर जो एसटी का प्लेयर होता है वो भी इनको मारने की ट्राई करता है, अभी वो भी मारेगा बट यहाँ पे आगे जाके इनको यहाँ पे एसटीवाई मिलने वाले हैं एंड वो क्या करते हैं, इनको हेडशॉट देके डाउन करते हैं। सो ये वाला प्लेयर गाइस काफी मतलब ओपी प्लेयर है एंड बहुत नाम कमाने वाला है आगे। मैं इसको जान चुका हूं कि इसके लेवल मतलब जो जिस लेवल पे खेलता है ना, क्योंकि यहां पे हम जानते हैं एक्सकेफ के प्लेयर्स को, फोरम के प्लेयर्स को एंड बाकी प्लेयर्स को नहीं जानते, बट ये वाला प्लेयर मतलब बहुत अच्छा प्लेयर है ये। सो इसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाने वाला हूं, बट गाइस अभी देखते हैं क्या रहता है। एसटी यहां पे शीशोर पे आ चुकी है एंड अभी देखो पानी से जाके आगे आगे जाने की ट्राई कर रहे हैं, उनको पता है कि यहां से जाएंगे अगर लैंड जाएंगे तो नॉक हो सकते हैं। वैसे कूल बॉय यहां पे हेडशॉट देते हैं ऐसी बाई को, बट उनको यहां पे रिवाइव मिल जाएगा क्योंकि उनके प्लेयर भी यहां पे काफी नजदीक है कूल बॉय के, से एक प्लेयर आगे जा चुका है। अगर आगे आने की कोशिश करेंगे कूल बॉय तो उनको नॉक मिलेगा, बट अगर आपने देखा होगा सो नोवा का पोजीशन कहां था और वो कहां आ चुके हैं। सो ये वाला देखने वाला मतलब एक
पेर कूल बॉय अलग ही खेल रहा है उनका, जिमी उनके पीछे एंड पैरावा एंड ऑर्डर आगे जाने की अभी ट्राई करेंगे, बट बिल्कुल कहाँ से घूम के कहाँ घुस गई ये प्लेयर। सो तभी उनके पास यहाँ पे चिकन आता है एंड ये मतलब बिल्कुल क्लस्टर से बिल्कुल सेपरेट हो चुके हैं, जितने भी ज़्यादा स्क्वाड्स है सड़क के उस पार है, मतलब रोड के अक्रॉस है, बट ये रोड के मतलब इस साइड से रोड के पार चले गए हैं, अक्रॉस चले गए हैं। सो ये उनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है एंड इसी वजह से उनके पास यहाँ पे चिकन आता है। बट गाइस अभी सर्कल देखो, सर्कल क्लोजिंग होने वाला है, नेक्स्ट सर्कल कैसे बनता है वहाँ पे फाइट्स होंगी। अभी वाइक्यूएल के प्लेयर को डाउन करा गया, वाइक्यूएल के प्लेयर को एसटी की साइड से यहाँ पे ख़त्म करा जाएगा। एसटी के पास काफ़ी अच्छी किल्स रहती हैं, 16 प्लेयर अभी जिंदा है यहाँ पे, 7 टीम्स है यहाँ पे। अभी फ्रूट पीछे हैं, फ्रूट भी आगे आएंगे, स्मोक बॉल क्रिएट करी जा रही है आने के लिए, मतलब जितने भी प्लेयर्स होते हैं एसटी के वो जा चुके हैं, फ्रूट यहाँ पे अकेले प्लेयर बचे होते हैं, फ्रूट भी यहाँ पे चले जाते हैं, उनके लिए एक स्मोक है वो चले मतलब जाने की ट्राई करते हैं, बट स्मोक के चक्कर में वो आगे नहीं जा रहे होते, बट यहाँ पे अभी वो रिस्क लेके चले जाते हैं। बट अभी देखो वाइक्यूएल का A6 है सामने एंड वाइक्यूएल का एक और प्लेयर है एनबी पैराबॉय, वहाँ पे एलके वाले प्लेयर्स को मार रहे हैं एंड उनको फिनिश करते हैं, क्योंकि आरएनजी वाले बंदे ने यहाँ पे नेड कर दिया। एलके के ओनली 2 मेंबर थे, वो डाउन हो चुके हैं। यहाँ पे बचते हैं 6 टीम्स, 14 प्लेयर हैं यहाँ पे। एसटीई फुल फॉर्म में होती है यहाँ पे, एसीटी का स्क्वाड भी है, आरएनजी, टीजेबी एंड वाइक्यूएल एंड एसटीई। जोन का एक और शिफ्ट आने वाला है एंड ये शिफ्ट यहाँ पे दिखाने वाला है कि कौन सी स्क्वाड को फेवर करता है। सो यहाँ पे नोवा का पूरा फेवर कर रहा है, क्योंकि नोवा का पोजिशन ही ऐसा गाइस, वो उन्होंने एक्वायर करके रखा है वैसे पोजीशन की, उनको प्रोडिक्शन था मतलब कि यहाँ जोन बन सकता, सो वहाँ पे आते हैं वो। क्योंकि अभी गाइस देखो, अगर किसी भी स्क्वाड को सामने आना पड़ेगा सो रोड को क्रॉस करके आना पड़ेगा, नोवा बहुत अच्छे से उनको डाउन कर सकती है। सो ये वाली चीज़ मतलब 8th जोन है ये। एंड अभी देखो, अभी पैराबॉय स्पॉट कर चुके हैं एसटीई को, बाकी प्लेयर्स भी स्पॉट करने की ट्राई कर रहे हैं हर किसी प्लेयर्स को। यहाँ पे 5 टीम बची हैं, 13 बंदे बचे हैं। एसटीई का स्क्वाड जो है 4 मैन स्क्वाड है, बट ऑर्डर का डोमिनेशन भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहता है। अभी वाइक्यूएल A6 एंड वाइक्यूएल का दूसरा प्लेयर भी आगे जाने की ट्राई करेंगे, क्योंकि आरएनजी का स्क्वाड भी है, इनके बीच में फाइट छिड़ती है। वाइक्यूएल का प्लेयर एसटीई फ्रूट को डाउन करता है, यहाँ पे एसटीई अपने बैकफुट पे आते हैं, क्योंकि उनको एक तो आगे जाना है और उनको 2 कैजुअलिटी मिल गई, ऑर्डर भी सामने से एक और प्लेयर को नॉक करते हैं। सो वाय यहाँ पे अभी रिवाइव दे रहे हैं एंड गाइस अभी इनको ना मूव इन करना पड़ेगा आगे। एक प्लेयर तो इनका यहाँ पे फिनिश होने वाला है, क्योंकि उसके पास यहाँ पे कोई भी मतलब ज्यादा हील नहीं बची है एंड रिवाइव देना उसको बहुत मुश्किल रहने वाला है। एंड पैराबॉय यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली कवर फायर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिमी आगे जा चुके हैं, कूल बॉय आगे जा चुके हैं, बट यहाँ पे ऑन द अदर हैंड यहाँ पे अभी देखोगे तो नोवा के ऑर्डर यहाँ पे नेड से भी किल ले रहे हैं, अपनी गन से भी किल निकाल रहे हैं, मतलब एसटी के स्क्वाड को यहाँ पे वो बहुत परेशान कर रहे हैं। लास्ट मैन बचा होता है यहाँ पे आरएनजी का, उसको भी मार के खत्म करा जाएगा। अभी एसटी बची है, नोवा बची है, सो एक और प्लेयर को डाउन किया एंड लास्ट प्लेयर बचे होते हैं फ्रूट। यहाँ पे 1v3 कर चुके हैं ऑर्डर, यहाँ पे 1v4 करने की मतलब पूरी कोशिश उनकी, बट यहाँ पे प्लेयर गाइज यहाँ पे बाहर निकलता है, अगर नेट कर देते तो मे भी यहाँ पे डाउन हो जाता प्लेयर। उसकी हेल्थ तो फुल थी, बट जो नीचे बार्स होते हैं, जोन के शील्ड जिसको बोलते हैं हम लोग, सो वो अगर यहाँ पे खत्म हो जाता है तो गाइज आपकी इंस्टेंट क्रिएट बन जाती है यहाँ पे, एंड वही फ्रूट के साथ होता है। बट नोवा ऑर्डर ने काफी अच्छे से इनको टेक डाउन करा। अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से यार लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक और चैनल है अपना उसको भी सब्सक्राइब कर देना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके गाइज, थैंक्स फॉर, पीस आउट, बाय बाय, टेक केयर।